और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आप सभी के हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, गर्मियाँ बहुत हो गई हैं और गर्मियों में हमारी जो स्किन है वो धूप धूल मिट्टी के कारण बहुत ही डल ड्राई और टैन हो जाती है हमारी स्किन पे। और साथ ही साथ अभी बारिश का मौसम भी आने वाला है। बारिश के मौसम में चिपचिपाहट के कारण हमारे फेस पे जो है वो बहुत सारे एक्ने और पिंपल्स हो जाते हैं। तो गाइस, ऐसे में हमें क्या यूज़ करना चाहिए हमारे फेस पे? तो ऐसे में मैं अपने फेस पे क्या यूज़ करती हूँ गाइस, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ गाइस, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक होममेड मैजिकल फेस मास्क, जिसे यूज़ करके आप पा सकते हैं अपनी हर तरह की स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपकी अनइवन स्किन टोन है या फिर आपकी डार्क स्किन है या फिर सन टैन है या फिर हाइपर पिगमेंटेशन है या फिर आप एक्ने या पिंपल से परेशान है, तो ये जो होम रेमेडी है वो आपकी इन सभी प्रॉब्लम के लिए बेनिफिशियल है। इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको एक देगी क्लियर ग्लोइंग और हेल्दी स्किन। जी हाँ, क्योंकि गाइस, हम इस रेमेडी में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाले हैं वो इंग्रेडिएंट्स आपकी सभी स्किन प्रॉब्लम्स को क्योर करके आपको देते हैं क्लियर ग्लोइंग और हेल्दी स्किन। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको फटाफट से इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। सबसे गाइस, जो हमारी रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है वो आलू है। ये एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स लाइक विटामिन B1, B3 एंड B6 पाए जाते हैं और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे स्किन के जो डेड सेल्स हैं उन्हें रिमूव करके हमें एक ग्रोइंग स्किन देते हैं। और साथ ही साथ ये हमारे डार्क सर्कल को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। और गाइस, ये हमारे एंटी एजिंग और रिंकल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम लेंगे आलू। आलू के बाद हम सेकंड इंग्रेडिएंट्स लेंगे टमाटर। टमाटर में जो है वो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ इसमें विटामिन सी, ए और के भी पाया जाता है, जो हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन और टाइटन करने में हेल्प करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट हम लेंगे मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, हम मुल्तानी मिट्टी लेंगे। मैंने यहाँ पे गणपति की मुल्तानी मिट्टी ली है और मुल्तानी मिट्टी जो है वो हमारी स्किन को जो है वो बहुत कूल और काम रखती है और साथ ही साथ हमारी स्किन पे जो एक्सेस ऑयल है उसे रिमूव करती है और हमारे स्किन पे पिंपल और एक्ने होने से बचाती है। पिंपल और एक्ने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। और अगर गाइस आपकी स्किन जो ड्राई है तो आप मुल्तानी मिट्टी को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे चंदन पाउडर। चंदन पाउडर जो है वो इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। ये हमारी एंटी एजिंग साइंस के लिए और रिंकल्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट हम लेंगे चंदन पाउडर। चंदन पाउडर के बाद हम लेंगे राइस पाउडर। राइस पाउडर जो है वो गाइस, जो कोरियन लोग, देखे हैं आपने कोरियन लोग कितने ब्यूटीफुल होते हैं, उनकी स्किन जो है वो बहुत ही चमकदार और ग्लोइंग होती है। तो वो जो है वो अपने सारे इंग्रेडिएंट्स में, अपनी क्रीम्स में और अपनी सारी चीज़ों में जो है वो ये राइस पाउडर यूज़ करते हैं। राइस पाउडर जो है वो एक नेचुरल सनस्क्रीन है। ये आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करके आपको वाइट स्किन प्रोवाइड करता है। आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इसके बाद हम लेंगे क्या रह गया, यस, इसके बाद हम लेंगे लेमन। लेमन जो है इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है वो एसिडिक होता है। आपको पता है जो भी कोई एसिडिक चीज़ें होती हैं वो हमारी स्किन से जो है वो कालापन हटाने में काम आती है। आपकी ड्राई स्किन है तो आप नींबू की जगह शहद यूज़ कर सकते हैं। सो लास्ट हम लेंगे हल्दी। हल्दी में जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारे जो स्किन के सारे दाग धब्बे हैं उन्हें रिमूव करने में हेल्प करती है। ये हमारे सारे फेस के जो स्कार्स हैं या जो पिंपल के दाग धब्बे हैं उन्हें रिमूव करने में हमारी हेल्प करती है। और गाइस, मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि हमें इसे कैसे यूज़ करना है। सो गाइस, हम यहाँ पर आलू को छील के कट करके ग्राइंडर में ग्राइंड करने के लिए डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें हाफ टमाटर भी कट करके ग्राइंड करने के लिए डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम जो टमाटर और आलू का पेस्ट है उसे एक कटोरी में ले लेंगे। ये पेस्ट है वो हमारा कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया है। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। हम इसमें 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच चंदन पाउडर। चंदन पाउडर के बाद हम इसमें मिक्स करेंगे 1 चम्मच राइस पाउडर।
और अब मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें हाफ स्पून कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप घर वाली हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं। और अब इसमें मैं मिक्स करने जा रही हूँ हाफ नींबू का रस। सो गाइस, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके हमारा जो फेस मास्क है वो अच्छे से रेडी कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, इसमें गांठें ना रह जाएं। ये हमारा मास्क बन गया है, अब हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे। फेस मास्क सूख गया, मैं वॉश करके आती हूँ। वैसे तो इसको लगाने के बाद बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपको बताने के लिए बोलना पड़ रहा है। सो मैं फेस वॉश करके आती हूँ। गाइस, मैंने फेस वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, एक बारी में तो आपको इसको इफेक्ट दिखेगा नहीं। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप इस रेमेडी को कम से कम हफ्ते में 2 बार यूज कीजिए और रेगुलरली 1 मंथ तक यूज कीजिए। आपकी जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी गायब हो जाएंगी, आई गारंटी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और होम रेमेडी के साथ, तब तक के लिए टाटा।